ये हो गया दोस्तों, अभी एक ट्राई फिर से करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल रजत भाटिया ब्लॉग्स पे। आज के ब्लॉग में हम कुछ खास नहीं, कुछ सिंपल सी डिश बनाने जा रहे हैं, प्यारी सी। तो चलिए आपको सामग्री भी दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या लगे हैं हम बनाने। बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। तो ये है दोस्तों हमारी सामग्री, एक प्याज, थोड़ा सा खीरा, एक टमाटर और एक शिमला मिर्च जो मैं पहले यदि यूज़ कर चुका हूँ। चलिए तो इनको फाइनली चॉप कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या बनाने जा रहा हूँ मैं। तो ये दोस्तों हमारी सामग्री रेडी है चॉपिंग के साथ। ये है खीरा, ये आगे शिमला मिर्च, ये आगे टमाटर, ये आगे प्याज और ये बचा हुआ खीरा। चलो तो अभी बनाते हैं और बताते हैं आपको भी साथ में। तो दोस्तों ये ले लिया हमने बेसन और ये हमारे वेजीज। चलिए इसकी कर लेते हैं कार्रवाई स्टार्ट। थोड़ा सा बेसन डाल के हमने डालिए अप्रॉक्सीमेट दोस्तों 2 छोटी कटोरी बेसन। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना देते हैं पहले ना। इसमें पानी आप एकदम से ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसको मिक्स कर लें अच्छे से। अगर आपने हाथों से यूज़ करना है तो हाथ ज़रूर धोइए पहले, नहीं तो मेरी तरह आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं अभी दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये मिक्सचर। अब इसमें हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी हमने वेजेस चॉप की थी वो डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले प्याज डाल लेता हूँ, थोड़ा सा टमाटर क्योंकि अभी हमने सब्जी भी बनानी है तो उसमें भी यही यूज़ होगा, तो आप समझ ही सकते हैं। और शिमला मिर्च तो मैं पूरी डाल दूँगा, मेरे को शिमला मिर्च अच्छी भी लगती है, मुझे पसंद है। जस्ट अ मिनट। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी, बस तो भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है गाइस, मैं अभी हम डाल लेंगे दोस्तों थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर क्योंकि मुझे ये भी पसंद है, थोड़ा सा आप मिर्ची अगर स्पाइसी आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मैं तो स्पाइसी खाता नहीं हूँ। थोड़ा सा है ये हमारे पास ब्लैक पेपर, ये भी डाल सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आपको इसकी प्रिपरेशन भी दिखाते हैं। तो भी दोस्तों हमने ले लिया है नॉन स्टिक तवा हमारा, इस पर डाल देते हैं अमूल की छोटी सी टिक्की बटर की। तो कम कर लेता हूँ इसको। यस, थोड़ा इसको फैला लेंगे बिल्कुल, अगर कोशिश करें धीमी आंच पे बनाने की ताकि इसको जलने का खतरा ना हो। ये आप देख सकते हैं एक साइड से बन गए हैं, एक कोशिश करने वाला हूँ मैं नहीं, बस हो जाए वो। नाइस, मतलब मैं मास्टर शेफ बन सकता हूँ गाइस, कूल। चलिए दोस्तों दूसरा बनाने की बारी आ गई है। इस बारी मैं कुछ थोड़ा यूनिक ट्राई करता हूँ, ज्यादा मोटा ना होता कि ये पूरा कल्ला। इसको से पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए दोस्तों मैंने पलट दिया लेकिन फिर से ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया है, बाकी तो अच्छा लग रहा है, जला भी नहीं है काफ़ी हद तक। चलिए
जरा इसको बनने देते हैं एक साइड से, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा सेकंड नंबर वाला भी बन गया। ये तो देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। कभी कभी मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मैं इतना अच्छा भी बना लेता हूँ कोई चीज़ें। ये अभी दोस्तों लास्ट वाला भी बना देते हैं। मैंने सोचा था कि दो ही बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा बैटर ज़्यादा हो गया था। इसको पहले फैला लेते हैं जल्दी से ताकि इसकी ब्लैंक जगहें भर जाएं। भरने अब इसको एक मिनट के लिए पकने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो बना हुआ है ये कितना अच्छा लग रहा है, और ये पहले वाला दोनों में डिफरेंस कितना है। एंड दिस वॉज क्वाइट क्रंची। ये भी हो ही गया है, देखते हैं इसको फ्लिप करके। और ये अभी गाइस रेडी है हमारे चिल्ले बनके। तीन चिल्ले बन गए, दो ये थोड़ा सा टूट गया था, और ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही लीग लग रही है अब तो मेरे को। बाकी खाने के लिए अब आप इसको चाहे सब्जी के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए। ये लास्ट वाला बड़ा क्रंची है। तो दोस्तों आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी खा सकते हैं चिल्ला। आप सब्जी के साथ खाइए, आप चटनी के साथ खाइए, आप दही के साथ खाइए, या आप ऐसे सिंपली खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है और काफ़ी लाइट वेट होता है वैसे खाने में। और दूसरा बनाने में भी काफ़ी इजी है रेसिपी, बड़ी ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इसमें और इजीली आप कोई भी बना सकते हैं। बाकी आप वेजेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जितना अगर आपने सिंपल बनाना है तो आप नॉर्मल प्याज या टमाटर डाल के भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसा टेस्ट निकल के आया था। तो चलिए दोस्तों अभी आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।